हेलो इन्वेस्टर्स वेलकम बैक टू एक्सप्लोर दी फाइनेंस आप देख रहे हैं म्यूचुअल फंड का सेकंड पार्ट और लास्ट वीडियो अगर आपने देखा होगा तो उसमें मैंने डिस्कस किया था कि म्यूचुअल फंड कैसे काम करती है और उसको मैंने एक एक्जाम्पल से समझाने की कोशिश की थी आपको उसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज किए थे जैसे एक्सपेंस रेशियो क्या होता है नेट एसेट वैल्यू क्या होता है फंड मैनेजर्स कौन होते हैं कैसे फंड मैनेज किया जाता है वगैरह वगैरह ये सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो है और इस सेकेंड पार्ट में हम जानने वाले हैं कि म्यूचुअल फंड को किस तरीके से हम सेलेक्ट करें और मेरे लिए कौन सा अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है इसके लिए हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज और भी जानना है जैसे कि म्यूचुअल फंड्स में कितने ऑप्शन होते हैं और लास्ट वीडियो के इस लास्ट में हम ये भी देखेंगे कि म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करने के लिए हमारे पास क्या चेकलिस्ट होना चाहिए तो चलिए चलते हैं सबसे पहले जानते हैं म्यूचुअल फंड के कितने ऑप्शन होते हैं तो अगर हम म्यूचुअल फंड के कैटेगरी में जाए तो म्यूचुअल फंड को हम लोगों ने कैटेगराइज किया है बेसिकली तीन पार्ट में जिस बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन एसेट क्लास एंड बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट कोल्स अगर स्ट्रक्चर के बेसिस पर डिवाइड करें तो तीन तरीके के म्यूचुअल फंड होते हैं जैसे ओपन एंडेड क्लोज एंडेड एंड इंटरनल फंड्स मैं छोटे से uh, एक लाइन के डेफिनेशन में इन तीनों को डिफाइन भी कर देता हूं

और इंटरवल फंड्स जो होता है वो दोनों का मिक्सचर होता है क्लोज एंडेड एंड ओपन एंडेड का मिक्सचर होता है इंटरवल फंड्स तो बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर तो ये हो गया बेस्ड ऑन एसेट क्लास की अगर कैटेगराइजेशन uh, की बात करें तो इसमें इक्विटी फंड्स आते हैं डेट फंड्स आते हैं मनी मार्केट फंड्स आते हैं एंड हाइब्रिड फंड्स आते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड्स जैसा कि आपको नाम से समझ में आ रहा है इट्स रिलेटेड टू स्टॉक्स सिक्सटी फाइव परसेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो होता है वो इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में होता है डेट फंड्स ऐसे होते हैं जो फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट होता है जिसका जो बहुत लेस uh, रिस्की माना जाता है और बेटर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होता है उनके लिए जो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहते जो ज़्यादा जिनके पास नॉलेज ना हो शेयर्स का इक्विटी मार्केट का फॉर एग्जाम्पल हो गया फिक्सड मेच्योरिटी प्लान शॉर्ट टर्म प्लान मंथली इनकम प्लान एक्सेट्रा एक्सेट्रा और जो मनी मार्केट फंड्स होता है वो मतलब माना जाता है ऐसा कि पूरे स्पेक्ट्रम ऑफ इन्वेस्टमेंट में सबसे लोएस्ट रिस्क जिसमें होता है वो मनी मार्केट फंड्स होता है क्योंकि हाईली लिक्विड होता है एंड लोएस्ट रिस्क होता है ये भी नियर टर्म इंस्ट्रूमेंट्स जिसमें हाई लिक्विडिटी होता है उसमें इन्वेस्टमेंट होता है मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स के थ्रू और हाइब्रिड फंड जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है कि ये सारे मिक्सचर्स वो हाइब्रिड फंड बोलते हैं एंड लास्ट कैटेगराइजेशन इज बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट गोल्स इसमें ग्रोथ फंड्स इनकम फंड्स लिक्विड फंड्स टैक्स सेविंग फंड्स टेक्स्ट मेच्योरिटी एंड लास्ट में पेंशन फंड्स आते हैं तो ग्रोथ फंड्स एक ऐसा म्यूचुअल फंड ऑप्शन है स्कीम है जिसमें हम अगर बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व होता है और जिसके पास रिस्क उठाने की क्षमता ज़्यादा हो वही लोग no इन्वेस्ट करते हैं इसमें क्योंकि इसमें जो इन्वेस्टमेंट होता है वो ऐसी इंडस्ट्रीज या ऐसे सेक्टर्स में होता है जो बहुत इमर्जिंग होता है और उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क भी इन्वॉल्व होता है इनकम फंड्स ऐसे फंड्स होते हैं जो बेसिकली बेटर रिटर्न देते हैं और इन्वेस्टमेंट करते हैं स्टॉक्स uh, में बॉन्ड्स में और अदर फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में लिक्विड फंड uh, ऐसे म्यूचुअल फंड्स ऑप्शंस होते हैं जो डेट इंस्ट्रूमेंट्स एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टमेंट होता है बाकी तीन कैटेगरी जो है टैक्स सेविंग फंड्स ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज अगर आप इसके कैलकुलेशंस पे जाओगे तो ना ही ये केवल आपको टैक्स का बेनिफिट uh, देता है सेक्शन एटी के अंदर और इनकम टैक्स रिबेट भी मिलता है बल्कि आपका कैपिटल भी जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो भी ग्रो होता जाता है तो ये एक बेटर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है इसे ज़रूर कंसिडर करना चाहिए टेक्स्ट मेच्योरिटी एंड पेंशन फंड जैसा नाम से समझ में आ रहा है कि ये पेंशन से रिलेटेड होगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी होगा इसमें अगर आप पी या एन जैसे कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं कर रहे होंगे तो आप पेंशन फंड जैसा म्यूचुअल फंड ऑप्शन भी सेलेक्ट कर सकते हैं अपने रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए तो ये तो हमने कैटेगराइजेशन की बात कर ली लेकिन इस कैटेगराइजेशन में बहुत सारे स्कीम्स भी हैं तो ये कैसे पता चलेगा कि कौन से स्कीम में मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए इसके लिए आपको उस स्कीम पर्टिकुलर स्कीम में इन्वेस्टमेंट का स्ट्रैटेजी क्या है कितना परसेंटेज कहाँ इन्वेस्टमेंट होना चाहिए ये जानना भी जरूरी है इसीलिए मैंने सोचा कि आपको एक ओवरव्यू दे दूँ कि आपको आ, किस स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहिए तो जैसा मैंने पहले बताया आपको कि कैटेगरी है बहुत सारी स्कीम्स का जैसे इक्विटी स्कीम्स था हाइब्रिड स्कीम्स था ऐसे करके तो सीबी द्वारा ये कैटेगराइज किया गया है लेकिन अब इस स्कीम में क्या स्ट्रैटेजी है किसमें कितना परसेंटेज इन्वेस्टमेंट हो रहा है ये जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि आपको अगर ये पता होगा कि आपका पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट uh, हो रहा है जैसे लार्ज कैप में कितना जा रहा है स्मॉल कैप में कितना जा रहा है मिड कैप में कितना जा रहा है तो आप ये डिसाइड कर पाओगे अपने रिस्क के हिसाब से आपको ज़्यादा रिस्क लेना है तो आप स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कम रिस्क लेना है मिड कैप में कर सकते हैं उससे भी कम रिस्क लेना है तो लार्ज कैप में कर सकते हैं और लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो लार्ज कैप भी चूज़ कर सकते हैं तो ऐसे ही कैटेगराइजेशन सी बी के द्वारा जो गाइडलाइन निर्धारित किया गया है कि किस स्कीम में कितना परसेंटेज इन्वेस्टमेंट कहाँ होना चाहिए ये बहुत ज़्यादा जरूरी है जानना इसके लिए सेबी ने जो कैटेगराइजेशन दिया था अलग अलग स्कीम्स के लिए जैसे इक्विटी स्कीम्स के लिए डेट स्कीम्स के लिए हाइब्रिड स्कीम्स के लिए सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम्स जैसे कि मैंने रिटायरमेंट से रिलेटेड बताया आ, या फिक्स मेचोरिटी प्लान्स के बारे में बताया या अदर स्कीम्स जैसे हैं जैसे है इंडेक्स फंड है ई टी एफ्स है गोल्ड ई टी एफ्स है इसमें कहाँ पर कितना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए ये सेबी ने कुछ गाइडलाइंस निर्धारित किए हैं ये स्क्रीनशॉट मैं यहां पर अटैच कर रहा हूं इसे इस वीडियो को पॉज करके ये सारे स्कीम्स का कैटेगराइजेशन वाइज इन्वेस्टमेंट कैसा है वो आप जरूर देखिए और उसके बाद आपको आसान हो जाएगा डिसीजन लेना ये जरूर देखिएगा लेकिन यहां पे मैं एक बात बताना चाहता हूं मेरा जो पर्सनल सबसे अच्छा फेवरेट म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी होता है दैट इज इंडेक्स फंड ये मेरा पर्सनल सजेशन है इसे आप माने या ना माने ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप अपना ड्यूटेलिजेंस जरूर कर लीजिएगा बिकॉज जब भी कभी कोई कंपनी इन्वेस्टमेंट करती है तो वो जो रेट ऑफ रिटर्न दे रही है आपके इन्वेस्टमेंट पे उसे किसी ना किसी चीज़ से तो कंपेयर करना है और वो कंपेरिजन का जो बेंच होता है दैट इज निफ्टी या सेंसेक्स या एस ये बेंच होता है तो अगर ऐसा है और ये रिसर्च करने के बाद में ये बता रहा हूँ और बहुत सारे लोग बहुत अच्छे अच्छे इन्वेस्टर्स भी ये बात बोलते हैं कि कई बार बहुत बार ऐसा इंसिडेंट होता है जहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी म्यूचुअल फंड कंपनीज या फंड uh, मैनेजर्स बोल सकते हैं जो बेंच को बीट नहीं कर पाते हैं लॉन्ग रन में जो रिटर्न बेंच देता है मान लीजिए बारह का दे रहा है तो बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं जो बारह से ज़्यादा रिटर्न नहीं देते हैं तो क्यों ना अपना टाइम वेस्ट किए बिना इंडेक्स फंड में ही इन्वेस्टमेंट कर दो वहां तो एटलीस्ट बढ़िया रिटर्न आएगा कंट्री का ग्रोथ जितना ज्यादा होगा उतना रिटर्न मेरा बढ़ते चला जाएगा बिना किसी टेंशन का बिना किसी नॉलेज का इसमें कोई स्ट्रेटेजी कोई इन्वेस्टमेंट की नॉलेज नहीं चाहिए तो इंडेक्स फंड आई प्रेफर एंड आई प्रेफर ईटीएफ ऑल्सो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जैसे कि निफ्टी बीस है और ये सब जो है डीमैट अकाउंट के थ्रू ही आप एक टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं और अगर आपने जेरोदा में अभी तक अपना डीमेट अकाउंट नहीं ओपन किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर जाइए लिंक पे क्लिक करिए जो मेरा पर्सनल रेफरल कोड है उसे यूज करिएगा तो यहाँ पे आप इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा ये रेफरल स्कीम ही है केवल सपोर्ट के लिए ही मैंने ये लिंक डाला है अगर आप चाहें तो इसे इसके थ्रू आप डी अकाउंट जरोदा में ओपन कर सकते हैं निफ्टी बीस हो गया या गोल्ड ई हो गया ये सब सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बहुत ही अच्छे हैं तो अब लास्ट में इस वीडियो में हम देखते हैं कि हम म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखें तो हम बेस्ट म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर सकते हैं सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट चेकलिस्ट में पॉइंट नंबर वन आता है कि आपका गोल क्या है गोल हो सकता है एक रिटायरमेंट का हो गोल हो सकता है बच्चे की पढ़ाई का हो शादी का हो कुछ भी हो सकता है तो आप अपने गोल के हिसाब से अपना इन्वेस्टमेंट प्लान चूज कर सकते हैं सेकेंड पॉइंट इन द चेकलिस्ट इज रिस्क आपके अंदर रिस्क उठाने का कितना कैपेबिलिटी है अगर हाई रिस्क उठा सकते हैं तो इक्विटी म्यूचुअल फंड इज अ बेटर ऑप्शन जहां पे वोलिटैलिटी तो ज्यादा होगा बट रिटर्न भी बहुत ज्यादा होगा लेकिन अगर कम रिस्क उठाना है तो डेट म्यूचुअल फंड अच्छा होगा सो हाउ टू चूज द म्यूचुअल फंड अकॉर्डिंग टू द रिस्क ये आप स्क्रीनशॉट स्क्रीन पे देख सकते हैं और इससे आपको समझ में आएगा कि रिस्क के हिसाब से कौन सा म्यूचुअल फंड लेना है थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इन द चेकलिस्ट इज लिक्विडिटी आने वाले समय में आपको पता है कि मुझे छह महीने पांच महीने में पैसों की जरूरत पड़ेगी गो फॉर लिक्विड फंड इक्विटी म्यूचुअल फंड या कोई भी म्यूचुअल फंडवेस्टमेंट ना करें बिकॉज शॉर्ट टर्म में वो रिटर्न नहीं देंगे उतना अच्छा लेकिन लिक्विड फंड आप कभी भी उसको लिक्विडेट करके अपने जरूरतों के हिसाब से खर्च कर सकते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज पॉइंट नंबर फाइव इज एक्सपेंस रेशियो एक्सपेंस रेशियो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है म्यूचुअल फंड सेलेक्शन करते वक्त बट यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर मान लो आपको इन्वेस्टमेंट में बीस का रिटर्न मिल रहा है और वहां पर जीरो का एक्सपेंस रेशियो है और उसी के कंपेरिजन में पंद्रह रिटर्न आपको एक कोई स्कीम में मिल रहा है वहां पे जीरो का एक्सपेंस रेशियो है तो विच वन इज बेटर 0.80 वाला एक्सपेंस रेशियो वाला 20 परसेंट जहाँ पे आपको मिल रहा है बिकॉज यहां पे एक्सपेंस रेशियो से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज रेट ऑफ रिटर्न बहुत हाई है यहां पे द लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज फंड मैनेजर कौन है आपके स्कीम का बिकॉज फंड मैनेजर के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आपका स्कीम बहुत बढ़िया परफॉर्म करने वाला है या नहीं करने वाला है इसके लिए आप अपना स्कीम को स्कीम को जो मैनेज करने वाले लोग हैं उनके बारे में डिटेल निकालें और एक साल नहीं दो साल नहीं तीन साल से पांच साल का ट्रैक रिकॉर्ड उनका चेक करें कि वो इन पास्ट परफॉर्मेंस में मार्केट uh, हर एक मार्केट कंडीशंस में कैसा उनका परफॉर्मेंस रहा है फंड मैनेजर जितना अच्छा होगा उतना अच्छा आपका रिटर्न होगा फंड मैनेजर जितना खराब होगा उतना खराब स्कीम परफॉर्म करेगा तो फंड मैनेजर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपको अपने म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करते वक्त लास्ट में कुछ और भी चीजें हैं जो छोटा मोटा रोल प्ले करता है दैट इज टैक्सेस एंट्री एग्जिट लोड कौन सा प्लान ले रहे हैं ये सब चीजें ओके okay, तो इसी के साथ करते हैं इस वीडियो का और मुझे आ, उम्मीद है कि आपको ये बहुत कुछ समझ में आया होगा म्यूचुअल फंड से रिलेटेड और आपके लाइफ में कुछ ना कुछ ये इंपॉर्टेंट रोल जरूर प्ले करेगा अगर ऐसा है तो गिव इट अ थम्स अप शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल आप देख के चले जाते हैं सब्सक्राइब नहीं करते ये बहुत गलत बात है प्लीज सब्सक्राइब द चैनल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इससे भी अच्छा कंटेंट लेके आते हैं आपके लिए